विश्राम घाट से अब हम आ गए हैं श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि। यह स्थल बहुत ही पवित्र है क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। अंदर फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है। मंदिर के गेट के पास ही क्लॉक रूम है, तो आप अपना सामान वहाँ पर रख सकते हैं। मंदिर में मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच भी अलाउड नहीं है। हमने दर्शन कर लिए और अब हम जाएंगे गोकुल दर्शन के लिए। इस मंदिर में एक गुफा भी है जिसमें श्री कृष्ण जी से जुड़ी सभी झांकियां बहुत अच्छे से दिखाई गई हैं, तो आप जब भी जाएं तो उसको ज़रूर विज़िट करें। इसके लिए आपको पर पर्सन 10 रुपीज़ पे करना होता है। के भव्य दर्शन के बाद हम आ गए गोकुल। गोकुल भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ा ब्रज का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना बचपन यहीं गोकुल में बिताया था। यहाँ पर आप मंदिर के दर्शन खुद भी कर सकते हैं और आप चाहे तो पंडित जी से भी कर सकते हैं। हमने पंडित जी के साथ ही गोकुल के सभी पवित्र स्थलों के दर्शन किए। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी को उनका पालन करने वाली माँ यानी यशोदा मैया ने गोपनीय ढंग से पाला था। यह स्थान बहुत ही पवित्र है और यहाँ पर हजारों तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं, खासकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी और अन्नकूट पर्व में तो यहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है। पंडित जी ने हमें गोकुल में भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ी बहुत सी लीलाओं के बारे में बताया। माना जाता है कि महादेव जी भी श्री कृष्ण जी के बाल रूप के दर्शन करने के लिए गोकुल में योगी का भेष बनाकर आए थे और उनको 3 दिन प्रतीक्षा करने के बाद श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप के दर्शन हुए थे। इस मंदिर में श्री कृष्ण जी का बाल स्वरूप है और वे अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। हमने दिव्य दर्शन किए और उनको झूला भी झुलाया। यहाँ पर दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं रमनरेती। रमनरेती गोकुल से कुछ ही दूरी पर स्थित है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मिनी व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।